आखिरकार 8 महीना बाद रायगढ़ नगर निगम की सामान्य सभा का बैठक संपन्न हुआ। सामान्य सभा की इस बैठक में शहर विकास समेत निगम का राजस्व बढ़ाने व जिंदल के कर निर्धारण सहित अलग अलग 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। शुक्रवार को 8 माह बाद रायगढ़ नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन हुआ। सामान्य सभा की बैठक में शहर विकास समेत निगम का राजस्व बढ़ाने और जिंदल के कर निर्धारण सहित अलग अलग 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष के बैठने की व्यवस्था महापौर के साथ रखने को लेकर भाजपा पार्षद श्रीनु राव ने जमकर हंगामा किया, लेकिन सभापति जयंत ठेठवार ने बैठक व्यवस्था को लेकर पहले ही जानकारी दे दी गई थी, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय जिंदल के कर निर्धारण को लेकर था, जिसे लेकर शुरुआत से ही हंगामे के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन परिषद में एक स्वर में सारे पार्षदों ने मिलकर 2013 में पारित निर्णय के आधार पर ही जोन क्रमांक 5 में ही रखने का निर्णय लिया। इसलिए अपेक्षाओं के अनुकूल पूर्व में निर्धारित जोन 5 की कैटेगरी में ही JSPL कंपनी को यथावत रखा गया है एवं शहीद विप्लव त्रिपाठी की मिनी स्टेडियम में प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा नए ऑडिटोरियम को किराए पर देने संबंधी प्रस्ताव के अलावा आवासीय परिसरों, औद्योगिक संस्थागत भवनों में अमृत मिशन के मीटर लगाने, मड़ाई महोत्सव के लिए अनुदान राशि एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 5 एजेंडों को सर्वसहमति से पारित किया गया। आज सामान्य सभा की बैठक हुई, लगभग 9 महीने बाद ये सामान्य सभा रखी गई है, तो काफ़ी समय के अंतराल के बाद ये बैठक रखी गई है, जिसमें जनहित के मुद्दे लगभग छूट से गए हैं। एक दो एजेंडा में एक दो ही विषय ऐसे हैं जो संज्ञान में लिए जा सकते हैं, बाकी सब व्यर्थ ही है। जनहित के मुद्दों से बिल्कुल इनको कोई सरोकार नहीं है। जिंदल के मामले में काफ़ी हद तक हम लोग काफ़ी अच्छे नतीजे तक पहुँचे हैं। जिंदल को जोन 5 में ही रखने की बात कही गई है और आगामी बैठक में इसका निर्णय होना तय किया गया है, लेकिन दूसरा एक निर्णय अभी हुआ है, जिस हिसाब से इस ऑडिटोरियम को, जो कि नगर निगम की एक बहुत अच्छी धरोहर है, उसे ये ठेके में देने की बात कह रहे हैं, जिसका पूरा भाजपा विरोध करता है और हम अंतिम समय तक इसका विरोध करेंगे, क्योंकि नगर निगम जब अपनी ही पूंजी को संभाल के नहीं रख पाएगा तो ये पूरे शहर को कैसे संभाल के रखेगा। तो एक तरह से ये काफ़ी हताशापूर्ण ही निर्णय रहा है। अगर जिंदल के मामले में बोला जाए तो कुछ हद तक हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं, और लेकिन इसमें कई मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े होने चाहिए थे, जो इन्होंने एजेंडा में नहीं जोड़ा। सीधे तौर पे ये दर्शाता है कि ये विपक्षी अपने जवाब देने से भाग रहे हैं, इसलिए ऐसे ऐसे एजेंडा में लाए हैं विषय जिनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं। औपचारिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा गया। जी हाँ, आप लोग ने अभी स्वयं देखा होगा कि खुद इनके पास प्रॉपर पूरा जानकारी नहीं है। अगर हम प्रभारी से पूछते हैं तो प्रभारी अधिकारी को बोलता है, ऐसा करके कई विषय हैं जो इनकी तैयारी पूर्णतः नहीं हुई थी। लगभग 9 महीने बाद अगर बैठक होती है तो पूरी तैयारी के साथ इन्हें ये बैठक करना था, तो एक निराशापूर्ण बैठक ही ये साबित हुई। एक महत्वपूर्ण चीज देखा गया है कि निगम के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने जिंदल के फेवर में बात किया, तो इसको किस रूप में लेते हैं? जी हाँ, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है कि नगर निगम के अधिवक्ता ने जिंदल के फेवर में ये बात निर्णय लिया है, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया और ऐसे अधिवक्ताओं को बिल्कुल आड़े हाथों लिया गया है, और लेकिन सबकी सहमति से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, तो उम्मीद है एक अच्छे निर्णय पर हम पहुँचें। आगामी नीति ये रहेगी कि जोन 5 में जो जिंदल है उसको उसी जोन में रहा दिया जाए, और नगर निगम जो ये रोना रोता है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम विकास कार्यों के लिए नगर निगम में पैसा नहीं है, तो जब राजस्व एक अच्छा राशि के रूप में नगर निगम को मिलेगा तो हो सकता है रायगढ़ का चहुंमुखी विकास हो। 10 एजेंडे थे, कितने एजेंडे पे भाजपा की सहमति है? एक दो एजेंडा है जिसपे हमारी सहमति है, बाकी कुछ मामले हैं, चूँकि हम अल्प मत में हैं तो जाहिर सी बात है हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये कोई आप लोगों का जो प्रश्न है, एजेंडा क्या था ये तो आप मालूम है, और एजेंडा तो
10 एजेंडा थे, जिसमें से लगभग 4 को छोड़ेंगे जो व्यापारिक था, तो 6 एजेंडा जो तो शहर हित में थे, और आज शहर हित में निर्णय लिया गया है। सारे विषयों पे बीजेपी कांग्रेस अपने अपने सम्मानी पार्षद विचार रखे, और इतना बढ़िया विचार रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज का ये सभा सभी विषयों पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया, और सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मैं इसके लिए सारे सभी पार्षदों का, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों का, और एल्डर मेलों का, सबका मैं आज दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे हमेशा की तरह हमेशा ऐसा एजेंडे पे विचार कर निर्णय लें, जिससे शहर की खुशहाली बना रहे। एजेंडा 3 जो क्रमांक है, उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं हुई लंबे समय से। एजेंडा 3 एक 10 साल से 11 साल से एक लंबित मामला था, एक उद्योगपति का संपत्ति कर निर्माण का मामला था, जिसमें बहुत सारे पहलू सामने आए विचार करने से, और पूरे शहर की नज़र इस विषय पे थी, जिससे आज जिस विषय में विचार करके आज पूरे शहर के लोग उससे संतुष्ट हुए। आज जनप्रतिनिधियों के ऊपर शहर की जनता को विश्वास हो गई, शहर की जनता को ऐसा लग रहा था ये निर्णय ये साबित करेगी कि लोग उद्योग जनप्रतिनिधि उद्योगपति के साथ हैं कि जनता के साथ हैं, तो जनता इस बात को बता रही है आज के निर्णय से कि रायगढ़ के जनप्रतिनिधि जनता के साथ हैं। मैं आर्थिक लाभ का तो गणना करके बता नहीं सकता, लेकिन एक विश्वास का जो लाभ होता है, आज नगर निगम के जनप्रतिनिधियों ने जनता से अर्जित की है, और उनकी आज पार्टी से ऊपर उठ के ये सारे जनप्रतिनिधि आज ये निर्णय लिए। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आर्थिक लाभ तो हुआ ही है, और किसी के दबाव में जनप्रतिनिधि नहीं आए, ऐसा जनता महसूस कर रही है, और ये एक बहुत बड़ी जीत है, इसका कोई मापदंड नहीं होता। ये जो जीत है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने पार्षद जीत के आए हैं, इसी निर्णय से ऐसा लगता है कि दूसरी बार वो जीत के आ जाएंगे। करोड़ों के राजस्व जो है वो नहीं अर्जित हो पा रहा था, क्या वजह रहा, क्योंकि आपके लीगल एडवाइजर भी इसमें। निश्चित रूप से नगर निगम की जो कुल आय है, जिंदल एक के एक ही उद्योग नगर निगम में शामिल है, और वो इस उद्योग से नगर निगम को एक अच्छी राशि, लगभग 25-30% राशि जिंदल उद्योग से संपत्ति कर से मिलना था, जो रुका हुआ था। आज भी मतलब अब यदि वो रुका हुआ को भी ले लिया जाएगा, तो एक बार में, तो एक पहली बार में तो बहुत राशि आएगी, क्योंकि जो अंतर की राशि वो भी 11 साल की है। जिस भी जोन में तय हो, जिस भी रेट में तय हो, तो लेकिन 11 साल की जो अंतर राशि है, एक बहुत बड़ी राशि होती है। फिर उसके बाद एक निरंतर जो आय है, वो एक नगर निगम के राजस्व से बढ़ाने से नगर निगम की जो तनख्वाह है, वेतन है, जो छोटे मोटे हमेशा कम हो जाती है, वो समस्या का निराकरण होता है। आपके जो लीगल एडवाइजर हैं, उन्होंने निजी कंपनी के फेवर किया, इसको किस रूप में लेते हैं? हाँ, ये बात आज परिषद में आया है, जिसके जांच के लिए हम लोगों ने कहा है, नोट करवाया है, और 2-3 दिन में उसका जांच करवाएंगे। और ये एक दुर्भाग्य है कि नगर निगम का अधिवक्ता है और नगर निगम के विरोध में बात किए हैं, तो इस बात की अभी जानकारी पूरी नहीं है। हो सकता है नगर निगम के जो तत्कालीन अधिकारी हों, उनके कुछ राइटिंग में देने से वो ऐसा दिए हों, इसलिए ये एक जांच का ये विषय है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SEN 24।